अरे यार, सुबह हो गई क्या? फटाफट से उठता हूँ यार। गुड मॉर्निंग गाइज। तो एक और सुहाना सा दिन, बट एक मिनट, ओ माय गॉड गाइज, यार ये मैं कहाँ हूँ? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा यार? अपनी आंखों को मल के देखता हूँ सही से, एक मिनट। अरे यार गाइज, सच में यार देखो, मैं तो समुद्र के ऊपर हूँ, बट मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पे कैसे आ गया। अरे गाइज यार, मैं तो रात अपने घर पे ही सोया था और अपने बेड पे ही सोया था, बट यहाँ पे मैं कैसे आ गया? मेरे को तो गाइज बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। अरे यार, अब मैं क्या करूं? एक मिनट यार, मैं पहले आपको बता देता हूं कि आज की वीडियो में ना 30+ शॉर्ट आउट है, तो आज की वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना एंड आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अच्छा यस। तो गाइज यार, अभी उस सब बात को छोड़ते हैं, बट एक मिनट यार, मेरे को तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पे कैसे आ चुका हूँ और अब मैं यहाँ से कैसे जाऊँ। अगर मैं यहाँ से समुद्र में कूदता हूँ तो इसमें जो ना बहुत बड़ी बड़ी शार्क रहती हैं, वो मेरे को खा जाएंगी, घर पे जाने भी नहीं देगी। तो गाइज यार, आज तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ और मेरे को तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ यार, जिससे कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। एक मिनट गाइज यार, मैं फटाफट से एक काम करता हूँ, मैं जो ना टिप्सन को कॉल लगाता हूँ और उससे सब कुछ बताता हूँ कि मैं यहाँ आ चुका हूँ। एक मिनट, मैं फटाफट से लगाता हूँ टिप्सन का नंबर, एक मिनट फटाफट से डायल करता हूँ। गाइज यार, कॉल तो जा रही है, बट यार अभी देखो उसके फोन में रिंग भी बज रही होगी, बट पता नहीं क्यों नहीं उठा रहा। मेरे को ऐसा लग रहा है गाइज वो सब जो ना सो रहे होंगे, तो अभी इसीलिए वो कॉल नहीं पिक कर पा रहे। बट एक मिनट यार, मैं थोड़ा और ट्राई करके देखता हूँ। एक मिनट यार, इतनी देर हो गई बैल को जाते हुए, लगता है गाइज सच में ही वो सब सो रहे होंगे। एक मिनट, मैं फटाफट से फोन को काटता हूँ। गाइज यार, अब क्या करूं, मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। आपने देखा, टिप्सन ने भी मेरा कॉल पिक नहीं किया। बट एक मिनट गाइज यार, मैं जो ना दोबारा से फोन निकालता हूँ और अब के जो ना विलन को कॉल लगाता हूँ, शायद से विलन मेरा कॉल उठा ले। एक मिनट, मैं फटाफट से लगाता हूँ। अरे गाइज यार देखो, अभी बैल तो जा रही है, बट मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये आज कॉल पिक क्यों नहीं कर रहा यार, कोई भी कॉल पिक नहीं कर रहा। एक मिनट यार, अभी तो बैल जा रही है, अभी तक विलन ने भी कोई कॉल पिक नहीं किया यार मेरा। यार अभी भी बैल जा रही है, बट ये उठा क्यों नहीं रहे? मेरे को तो गाइज यार बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, कहीं ये भी तो किसी मुसीबत में नहीं फंसे हुए हैं मेरी तरह। लेकिन यार, अगर मेरे पास कोई कॉल करेगा तो मैं तो उठा लूंगा, बट ये नहीं उठा रहे गाइज यार, देख रहे हो बिल्कुल भी। गाइज यार, कोई भी कॉल नहीं उठा रहा, ना ही तो टिप्सन ने कॉल उठाई है और ना ही विलन ने कॉल उठाई है। एक मिनट गाइज यार, मैं एक काम करता हूँ, अब जो है ना मैं आयरन मैन को कॉल करके देखता हूँ, शायद से यार वो मेरी कॉल को रिसीव कर ले। तो फटाफट से मैं एक काम करता हूँ, सीधा जो ना आयरन मैन को कॉल मिलाता हूँ। बट एक मिनट, पहले तो मेरे को उसका नंबर देखना होगा। एक मिनट गाइज यार, मैं ढूंढता हूँ। हाँ गाइज, ये रहा, मैं फटाफट से लगाता हूँ। और यार देखो, अभी बैल तो जा रही है, बट पता नहीं उठाएगा या फिर नहीं। ओ माय गॉड गाइज, आयरन मैन ने कॉल उठा लिया। हेलो आयरन मैन, यार कहाँ पे हो? मैं जो ना बहुत ही ज्यादा मुसीबत में फंसा हुआ हूँ। अरे वो क्या है ना आयरन मैन यार, मैं अपने घर पे रात बिल्कुल सही सोया था, बट मेरे को बिल्कुल भी मालूम नहीं है कि रात को मेरे साथ क्या हुआ। और अब जब मैं सुबह को उठाना, तो यार मैं जो ना समुद्र के ऊपर हूँ और यहाँ पे जो है ना एक प्लैंक पड़ा हुआ है और काफी सारे प्लैंक आपस में जुड़े हुए हैं, मैं जो ना इनके ऊपर ही हूँ और मेरे चारों तरफ बस पानी ही पानी है। आयरन मैन यार, मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि मेरे को क्या करना चाहिए। ओके, तो यार आयरन मैन फटाफट से आना। गाइज यार, अभी आपने सब कुछ सुनी लिया होगा कि आयरन मैन जो है ना मेरी हेल्प करने के लिए आ रहा है। तो एक काम करता हूँ, जब तक यार आयरन मैन यहाँ पे आए ना, मैं थोड़ा सा वर्कआउट कर लेता हूँ, क्योंकि गाइज आज मेरा उठते ही दिमाग खराब हो गया और यहाँ पे देखो मैंने अभी तक वर्कआउट भी नहीं किया। तो एक काम करता हूँ, फटाफट से जो ना मैं यहीं पे वर्कआउट कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को जो ना काफी सारे सेट मारने हैं। पहले तो मैं पुशअप्स के सेट मार लेता हूँ एंड उसके बाद जो है ना मेरे को और भी ज्यादा एक्सरसाइज करनी है। तो फटाफट से मैं यहाँ पे पुशअप्स मारता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5। गाइस यार, थक चुका हूँ बहुत ज्यादा, चलो मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। अरे पता नहीं रो फिरो के साथ अचानक से ये क्या हो गया, कैसे वो समुद्र के ऊपर पहुँच गया है, मेरे को तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। जल्दी से चलता हूँ मैं, ये भी अच्छा है कि मेरा घर भी समुद्र के पास ही है। अरे सच में मेरे को ऐसा लगता है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही है। मेरे को तो रो फिरो कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ पे देखो रो फिरो को, लगता है यही रो फिरो है। एक मिनट मैं फटाफट से चल के देखता हूँ। हाँ लग तो यही रहा है, मेरे को लगता है यही रो फिरो, हाँ रो फिरो यही है। अरे रो फिरो यार देखो, मैं आ चुका हूँ, अब तो मैं घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नहीं आयरन मैन यार, अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं घबरा रहा, बस पहले मैं घबरा रहा था जब मैं यहाँ पे अकेला खड़ा हुआ था। अब तो अगर हम डूबेंगे तो दोनों एक साथ ही डूबेंगे। अरे रो फिरो वो सब बात तो छोड़, लेकिन मैं तुझे यहाँ से लेके जाने के लिए तो कुछ भी नहीं लाया, ना ही तो मैं कोई बॉटल लाया हूँ और ना ही कुछ भी नहीं लाया यार, फिर मैं तेरे को यहाँ पे कैसे लेके जाऊंगा? अरे यार आयरन मैन, ये क्या किया यार तूने, तू कोई बॉट भी नहीं लेके आया।
यार अब मैं यहाँ से कैसे जाऊंगा। एक काम कर, फटाफट से जो ना तू मेरे घर जा और वहाँ पे जाके जो ना सुपर हीरो को, टिप्सन को और विलन को बता दे कि मैं वहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। ठीक है रो फिरो, मैं चलता हूँ। और हाँ आयरन मैन उनसे बोल देना कि मुझे लेने के लिए अपने साथ बॉट वगैरह जरूर लेके आए। ठीक है रो फिरो यार, मैं बोल दूंगा सब कुछ। अरे यार रो फिरो पता नहीं यहाँ पे कैसे आ गया, और मेरे को तो ये भी समझ में नहीं आया कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ लेकिन मैं कुछ भी नहीं लेके आया रो फिरो के ले जाने के लिए। अब तो मेरे को उसके घर ही जाना पड़ेगा और उन सबको बता के आना पड़ेगा, सुपर हीरो को, टिप्सन को और विलन को बता के आना पड़ेगा कि रो फिरो समुद्र के बीच में फंसा हुआ है। पता नहीं उनको यकीन भी आएगा या फिर नहीं, लेकिन मेरा तो बताने का काम है। रो फिरो ने मेरे से बोला है कि बस मेरे को जो ना जाके उनको बताना है और मैं तो बता के फिर से अपने घर चला जाऊंगा। वो रो फिरो को लेके आएंगे या नहीं लेके आएंगे ये सब उनकी सिरदर्दी है। अरे लेकिन रो फिरो का घर कहाँ पे है, मैं तो रो फिरो का घर भी भूल चुका हूँ। फटाफट से देखता हूँ किधर है रो फिरो का घर, मेरे को तो कहीं पे भी रो फिरो का घर दिखाई नहीं दे रहा। लगता है मेरे को ऊपर की साइड जाना पड़ेगा, फटाफट से चलता हूँ। एक मिनट, मेरे को तो कहीं पे भी रो फिरो का घर दिखाई नहीं दे रहा, मैं तो रो फिरो का घर भी भूल चुका हूँ। अरे नहीं, मेरे को मिल चुका है रो फिरो का घर। अब मैं जाके फटाफट से देखता हूँ कि टिप्सन, सुपर हीरो और विलन अपने घर पे हैं या फिर नहीं है। एक मिनट मैं फटाफट से चलता हूँ, अरे कहीं ये सब सो तो नहीं रहे हैं। एक मिनट मैं फटाफट से देखता हूँ किधर है, अरे ये तो यहीं पे खड़े हुए हैं। मैं फटाफट से इनके पास चलता हूँ। अरे आयरन मैन तुम आ गए, हम जो है ना इतनी देर से तुम्हें याद कर रहे थे। हाँ? वो क्या है ना रो फिरो पता नहीं कहाँ पे चला गया, रात तो हमारे पास ही सो रहा था लेकिन अब पता नहीं कहाँ पे चला गया, मेरे को तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। आयरन मैन यार तुम ही कुछ हमारी हेल्प कर सकते हो रो फिरो को ढूंढवाने के लिए। अरे टिप्सन, मेरे को जो ना रो फिरो को ढूंढवाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अबे आयरन मैन ये क्या बोल रहा है, रो फिरो तो तेरा दोस्त है, फिर तो उसको ढूंढवाने के लिए क्यों मना कर रहा है। अरे वो क्या है ना टिप्सन, विलन और सुपर हीरो, मैं जो ना अभी अभी रो फिरो के पास से ही आ रहा हूँ। क्या बोला आयरन मैन तुमने, तुम अभी रो फिरो के पास से आ रहे हो? अरे तो फटाफट से मेरे को बताओ ना कि रो फिरो कहाँ पे चला गया। अरे रो फिरो जो ना समुद्र के बीचों बीच फंसा हुआ है, जल्दी से जाओ और उसको बचा के ले आओ, वरना तो उस समुद्र की जो बड़ी बड़ी सार्क है ना वो रो फिरो को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी और आज ही रो फिरो का काम तमाम कर देगी। और हाँ टिप्सन, तुम जो ना फटाफट से वहाँ पे चले जाओ और जब तुम वहाँ समुद्र पे जाओगे ना तो एक पॉट जरूर ले जाना अपने साथ, क्योंकि रो फिरो को वहाँ से लाने के लिए कोई साधन नहीं है। जल्दी से जाओ, रो फिरो तुम्हारा वहाँ पे इंतजार कर रहा है। अरे यार मेरा वर्कआउट भी कम्प्लीट हो गया लेकिन अभी तक भी मेरे को कोई बचाने नहीं आया। अरे विलन और सुपर हीरो तुम यहाँ पे खड़े हुए अभी तक क्या कर रहे हो, तुमने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की, फटाफट से चलो, रो फिरो हमारा इंतजार कर रहा होगा यार वहाँ पे खड़ा हुआ। अरे तो टिप्सन हम कर भी क्या सकते हैं, तुझे पता नहीं है क्या आयरन मैन ने बोला है कि बोट लेके जानी है, लेकिन हम बोट कहाँ से लाए, बस हम दोनों यही पे खड़े होके यही सोच रहे हैं। अरे बोट वोट तो हम वहीं पे जाके एडजस्ट कर लेंगे, तुम फटाफट से बस चलो मेरे पीछे पीछे आओ, मैं अभी चलता हूँ, गाड़ी तो वैसे बाहर ही खड़ी होगी, तुम दोनों जो ना फटाफट से मेरे पीछे पीछे आओ, हम जल्दी से चलते हैं रो फिरो के पास। एक तो रो फिरो मुसीबत में फंसा हुआ है और इनको सोचने की लगी हुई है। हाँ हाँ टिप्सन कालिया, तुझे तो हम वैसे ही फालतू में ही दिखाई देते हैं, जल्दी से चल बे सुपर हीरो, तू भी क्या कर रहा है, एक तो रो फिरो मुसीबत में फंसा हुआ है और ये टिप्सन कालिया मेरा दिमाग खराब कर रहा है, जल्दी से चल कालिया। अगर वहाँ पे बॉट नहीं मिली ना तो फिर देखना कि बॉट कैसे करें, मुझे लगता है वहाँ पे बॉट मिलेगी भी नहीं। टिप्सन तो बहुत ज्यादा होशियारी दिखा रहा है ना। अबे विलन आज तू इतना क्यों बोल रहा है, मैंने तुझे बोल दिया ना कि चुप होके बैठा रहे और वहाँ जाके मैं बॉट का अपने आप एडजस्ट कर लूंगा, तुझे बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ देखूंगा टिप्सन, देखूंगा कि तू वहाँ पे कहाँ से बॉट को एडजस्ट करेगा, देख लूंगा तुझे भी। अरे हाँ हाँ विलन देख लेना तू भी, कोई मैं आज पहली बार थोड़ी ना जा रहा हूँ समुद्र पे, मैं तो वहाँ पे जाता रहता हूँ तो इसीलिए मेरे को सब पता है। खैर अभी उस सब बात को छोड़ और फटाफट से हम रो फिरो के पास चलते हैं। देख देख टिप्सन, अब हम देख यहाँ पे इस समुद्र पे तो आ चुके हैं, जल्दी से चल समुद्र पे चलते हैं। अरे तू कहाँ कहाँ को लेके जा रहा है इस गाड़ी को, जल्दी से चल टिप्सन जल्दी से। अरे विलन तुझे नहीं पता मैं कहाँ को लेके जा रहा हूँ, मुझे पता है कि यहाँ पे बॉट कहाँ पे मिलेगी तो इसीलिए देख मैं यहाँ पे लेके आ गया हूँ, और सामने ही देख एक बॉट भी खड़ी हुई है, मैं तेरे से पहले ही कह रहा था ना जल्दी से भाग के आओ फटाफट से और हम इस बॉट में बैठते हैं, जल्दी से आओ यार अभी तक क्या कर रहे हो। अरे टिप्सन हम तो तेरे ही पीछे आ रहे हैं, लेकिन ये तो किसकी बॉट में चल रहा है टिप्सन, अगर उस बॉट वाले ने देख लिया तो हमारे को बहुत ज्यादा मारेगा, जल्दी से उतर टिप्सन। अरे यहाँ पे बॉट पे चढ़ने के लिए कोई नहीं मारता, तुम फटाफट से भाग के आओ बस। अरे जल्दी से बैठ विलन, क्या कर रहा है, विलन भी बैठ चुका है, फटाफट से चलता हूँ, विलन बैठ जा। हाँ अब ठीक है, अब मैं फटाफट से इसको रो फिरो के पास लेके चलता हूँ, लेकिन मेरे को तो पता भी नहीं है कि रो फिरो कहाँ पे होगा, देख के आता हूँ फटाफट से, मेरे को तो कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा। अबे टिप्सन कालिए हल्के चला इसको हल्के, कहीं रो फिरो को बचाने के चक्कर में सार्क हमें ना खा जाए, इतनी तेज क्यों चला रहा है टिप्सन कालिए। अबे विलन मैं तो इतनी हल्की बॉट चला रहा हूँ और तुझे तब भी डर लग रहा है, अगर मैंने ये फुल स्पीड में भगा ली तो फिर तो तेरी पॉटी ही निकल जाएगी। खैर उस सब बात को छोड़ विलन, फटाफट से हम रो फिरो को देखते हैं। सुपर हीरो तू राइट साइड में देख और विलन तू लेफ्ट साइड में देख, और मैं फटाफट से आगे देखता हूँ कि रो फिरो कहाँ पे है अभी तक। तो एक मिनट,
अरे ये क्या है सामने, लगता है रोपिरो वहीं पे है। मैं फटाफट से चल के देखता हूँ विलन, मेरे को तो यही लग रहा है कि रोपिरो यहीं पे होगा। अरे हाँ फटाफट से आ रोपिरो। अरे हाँ टिप्सन बस आ गया। ये पकड़ेंगे मछली, इनसे मछली पकड़नी आती नहीं है, और घरों से चल देते हैं निकल निकल के। देखा रोपिरो, देखा और पकड़ तो मछली। क्या करने आया था, मछली पकड़ने आया था ना, अब देख कुछ ही देर में तुझे मछली पकड़ लेती है। हम यहाँ पे नहीं आते तो। अरे नहीं नहीं मैं यहाँ पे मछली पकड़ने नहीं आया, ये तो मेरे को भी मालूम नहीं है कि मैं यहाँ पे कैसे आ गया। बस जब मैं सुबह सो के उठा ना तो मैंने देखा कि मैं यहीं पे था। हाँ हाँ अब कुछ और बहाना नहीं मिलेगा तो हमें पागल बनाना शुरू कर दे है ना। अरे नहीं नहीं यार मैं तुम्हें पागल नहीं बना रहा। खैर यार तुमसे तो बात ही करना बेकार है। गाइज यार देख रहे हो विलन मेरे को कितना ज्यादा बोल रहा है। खैर गाइज यार अभी उस सब बात को छोड़ो, और हाँ यार अभी आपके शॉर्ट आउट भी तो रह गए हैं, तो फटाफट से मैं आपके शॉर्ट आउट दे देता हूँ। तो ये रहे आज के आपके शॉर्ट आउट। तो गाइज आज का फर्स्ट शॉर्ट आउट जाता है गगन तिवारी को, एंड सेकंड शॉर्ट आउट जाता है शिवम को, एंड थर्ड शॉर्ट आउट जाता है अरहम फरहाज को, एंड फोर्थ शॉर्ट आउट जाता है योगेश को जो कि कश्मीर से वीडियो को देखते हैं, एंड फिफ्थ शॉर्ट आउट जाता है सुफियान को जो कि इंडिया से ही वीडियो को देखते हैं, एंड सिक्स शॉर्ट आउट जाता है अरशमान को, एंड सेवेंथ शॉर्ट आउट जाता है हसनैन को, एंड एट्थ शॉर्ट आउट जाता है जॉयदीप को, नाइन्थ शॉर्ट आउट जाता है मुस्तफ़ा खान को, एंड टेंथ शॉर्ट आउट जाता है सोमनाथ को, एंड इलेवेंथ शॉर्ट आउट जाता है मयंक को जो कि इंडिया से ही वीडियो को देखते हैं, एंड ट्वेल्थ शॉर्ट आउट जाता है अब्दुल समद को, एंड गाइज नेक्स्ट शॉर्ट आउट जाता है ऋषभ को जो कि इंडिया से ही वीडियो को देखते हैं, एंड नेक्स्ट शॉर्ट आउट जाता है प्रतीक को, एंड नेक्स्ट शॉर्ट आउट जाता है अहमद को जो कि लाहौर से वीडियो को देखते हैं, एंड नेक्स्ट शॉर्ट आउट जाता है सत्यम को, एंड नेक्स्ट शॉर्ट आउट जाता है अरुण को जो कि इंडिया से ही वीडियो को देखते हैं, एंड नेक्स्ट शॉर्ट आउट जाता है सूरज को, एंड गाइज नेक्स्ट शॉर्ट आउट जाता है भव्य को, एंड नेक्स्ट शॉर्ट आउट जाता है सौर्यदीप भट्टाचार्य को, एंड नेक्स्ट शॉर्ट आउट जाता है अक्षत गहलोत को जो कि जोधपुर से वीडियो को देखते हैं, एंड नेक्स्ट शॉर्ट आउट जाता है अयान को, एंड नेक्स्ट शॉर्ट आउट जाता है जैन को जो कि कराची से वीडियो को देखते हैं, एंड नेक्स्ट शॉर्ट आउट जाता है अयान कुमार को, एंड नेक्स्ट शॉर्ट आउट जाता है अहमद को, एंड नेक्स्ट शॉर्ट आउट जाता है वंश को जो कि मुंबई से वीडियो को देखते हैं, एंड नेक्स्ट शॉर्ट आउट जाता है कुलदीप को, एंड नेक्स्ट शॉर्ट आउट जाता है कुलदीप को जो कि इंडिया से ही वीडियो को देखते हैं, एंड नेक्स्ट शॉर्ट आउट जाता है रिहान को, एंड नेक्स्ट शॉर्ट आउट जाता है ऋषभ को, एंड नेक्स्ट शॉर्ट आउट जाता है गौरव को, एंड नेक्स्ट शॉर्ट आउट जाता है फहद को जो कि पाकिस्तान से वीडियो को देखते हैं, एंड नेक्स्ट शॉर्ट आउट जाता है उमर को, एंड नेक्स्ट शॉर्ट आउट जाता है मयंक गेमर 06 को जो कि बिहार से वीडियो को देखते हैं, एंड नेक्स्ट शॉर्ट आउट जाता है यश को, एंड नेक्स्ट शॉर्ट आउट जाता है फैजल को। एंड गाइज अगर आपको भी अपना शॉर्ट आउट चाहिए ना तो फटाफट से वीडियो पे कमेंट कर दो, नेक्स्ट वीडियो में आपका भी शॉर्ट आउट मिल जाएगा। और हाँ गाइज आप जो है ना कमेंट करके ये भी बताना कि आप कहाँ से वीडियो को देखते हो, एंड गाइज आज की वीडियो आपको कैसी लगी मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है, एंड फिर जो ना मैं और भी ज्यादा धमाकेदार वीडियो लेके आता हूं। एंड गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए।